नमस्कार जय भवानी दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेज 2019 में तो दोस्तों जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं तो आज भी हम क्लास टेंथ से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम होगा दोस्तों इथेनॉल इथेनॉल तो दोस्तों हम इस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में होता क्या है कैसे बोलते हैं इथेनॉल इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं केमिकल फिजिकल और यूजेज इसके क्या होते हैं ओके okay, दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में एक्चुअली इथेनॉल क्या होता है इथेनॉल इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलॉज सीरीज ऑफ एल्कोहल क्या होता है ये सेकेंड मेंबर होता है एल्कोहल के होमोलॉज सीरीज का ओके okay, तो दोस्तों अगर सिंपली बात करें तो इथेनॉल 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 इज द सेकेंड मेंबर इथेनोल इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलॉजियस सीरीज ऑफ द होमोलॉजियस सीरीज ऑफ एल्कोहल एल्कोहल्स की होमोलॉजियस सीरीज का इथेनोल क्या होता है सेकेंड मेंबर होता है ओके okay. नेक्स्ट बात लिखें तो क्या होगा सेकेंड वन द केमिकल फॉर्मूला द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोल इज ऑफ इथेनोल इज सी टू एच फाइव ओ एच दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ये सेकेंड मेंबर होता है एल्कोहल की होमोलॉज सीरीज का ओके okay? जैसे कि सारे कंपाउंड सारे फंक्शन ग्रुप होमोलॉजस्ट सीरीज बनाते हैं तो एल्कोहल भी होमोलॉजस्ट सीरीज बनाता है और एल और जिसमें कि सेकेंड मेंबर कौन होता है इथेनोल फर्स्ट मेंबर मेथेनोल होगा थर्ड की बात प्रोपेनोल ब्यूटेनोल पेंटेनोल ऐसे होते हैं तो ये सेकंड मेंबर होता है एल्कोहल की होमोलोजेस्ट सीरीज का बात आते केमिकल फॉर्मूला देन केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सी टू एच फाइव ओ एच होता है आगे हम बात करें कि द कॉमन नेम द कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल एल्कोहल्स इज इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम क्या होता है दोस्तों इथाइल होता है क्या होता है इथाइल एल्कोहल तो दोस्तों समझ गए होंगे कि क्या होता है कि सेकेंड मेंबर होता है एल्कोहल की ओमोलॉजिस्ट सीरीज का सेकेंड बात इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच फाइव ओ एच होता है सॉरी सॉरी सी टू एच फाइव ओ एच होता है नेक्स्ट बात आती है कि इसका कॉमन नेम की बात आती है तो कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल नाउ तो दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज कैसी होंगी ये होंगी दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ए बात आती है ए में क्या बात करेंगे कि ए की ये होती है कि ए क्या होगा सबसे पहले ये होता है कि इट हैज़ अ प्लीजेंट इट हैज अ प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट एंड बर्निंग टेस्ट इसकी स्मेल कैसी होती है प्लीजेंट होती है बहुत अच्छी खुशबू आती है बट टेस्ट कैसा होता है बर्निंग टेस्ट होता है सेकेंड बात करते हैं इट इज लाइटर इट इज लाइटर देन वाटर इट इज लाइटर देन वॉटर ये क्या होती है पानी से हल्की होती है क्लियर थर्ड बात आता है It is miscible. It is miscible with water in all proportion, in all proportion due to the due to the presence of due to the presence of OH OH bond. Okay. It's my OH bond, sorry. इसमें ओएज बॉन्ड होने के कारण ही एल्कोहल में ओ एच बॉन्ड होने के कारण ये क्या होता है पानी में मिसिबल है ओके बात आती है नेक्स्ट की तो दोस्तों बात आती है नेक्स्ट वाले पॉइंट की डी पॉइंट की क्या कि इट इज वॉलेटाइल इन नेचर इट इज वॉलेटाइल वॉलेटाइल इन नेचर ये नेचर कैसा होता है इसका वोलेटाइल होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस तो क्या होता है दोस्तों इससे वोलेटाइल नेचर होता है इसका और दूसरी बात क्या होती है कि ये कैसा होता है दूसरी बात अगर बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है नेक्स्ट ई पॉइंट हमारी बात आती है क्या इट इज न्यूट्रल कंपाउंड इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड विच डज नॉट अफेक्ट विच डज नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर द लिटमस पेपर तो दोस्तों बात आती है सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले ये आता है कि क्या होता है कि इट हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट इसका टेस्ट कैसा होता है बर्निंग टेस्ट होता है स्मेल प्लीजेंट होती है सेकेंड आता है इट इज लाइटर देन वाटर और ये पानी से क्या होता है हल्का होता है नेक्स्ट आता है इट इज मिसिबल विद वाटर मतलब ये पानी के साथ घुल जाता है किसी भी प्रोपोशन में घुल जाता है क्यों क्योंकि क्या बनाता है ये ओ एच बॉन्ड होता है इसके अंदर आगे इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर वोलेटाइल का मतलब होता है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती रहती है वेपोराइज होती रहती है उसे हीट करने की जरूरत नहीं होती बात करते हैं पेट्रोल स्प्रिट होती है इथेनॉल होती है एसीटोन होती है ये चीज़ें ऐसी होती है कि रूम टेम्परेचर पर रखो अपने आप ही वेपोराइज हो जाती है पेट्रोल रखो थोड़ा सा डालो हाथ पर अब कुछ देर बाद वैपोराइज हो जाएगा क्यों क्योंकि वो भी क्या है वोलेटाइल है ओके नाउ इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड ये क्या होता है न्यूट्रल कंपाउंड होता है क्लियर ना न्यूट्रल मतलब कि इस पर कोई भी ये लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं देता है ना ये एसिड होता है ना ही बेसिक होता है आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा चाहो तो आप स्किन भी ले सकते हैं ओके दोस्तों बात करते हैं अब इसके आगे वाले पॉइंट की कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके दोस्तों तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ इथेनोल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि इथेनोल इथेनोल रियक्ट रिएक्ट रेपिडली रिएक्ट रियडली विद वॉटर सॉरी रियडली विद एयर विद एयर एंड फोम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स हीट एंड लाइट दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि क्या कि इथेनॉल जब किसके साथ बहुत तेजी के साथ एयर के साथ रिएक्ट होती है तो एयर के साथ बोल बहुत जल्दी से रिएक्ट होकर क्या बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स हीट और लाइट अब बात करते हैं जब हम सी टू एच फाइव ओ एच को अगर हम जलाते हैं बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन वॉट विल फॉर्म सी ओ टू एच टू ओ हीट एंड प्लस लाइट दीज आर फोम्ड ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ये इथेनॉल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं गर्म करते हैं जलाते हैं इसको तो क्या बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है वाटर वेपर्स बनाती है और साथ में हीट और लाइट भी निकलती है अब इसको अगर बैलेंस करते हैं सी टू टू हो गया ओ का फोर फोर और टू 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 जा टू टू जो फोर सॉरी थ्री थ्री टू जै सिक्स सॉरी दिस वन थ्री थ्री टू जर सिक्स एंड फाइव और वन सिक्स हाइड्रोजन बैलेंसड ऑक्सीजन थ्री और फोर थ्री सेवन सो थ्री थ्री टू जो सिक्स और वन सेवन ये बैलेंस हो चुका है नाउ बी इथेनोल रिएक्ट्स इथेनोल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल सोडियम मेटल थेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म व्हाट टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस तो दोस्तों बात आती है इसके कि इथेनोल क्या होगा सेम वही सी टू एच फाइव ओ एच रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड व्हाट विल फॉर्म सी टू एच फाइव ओ एन ए दिस कंपाउंड वी फॉलो अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इट क्लियर तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल क्या करेगा सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होके सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है दिस वन इज़ द सोडियम इथोक्साइड सोडियम इथोक्साइड इज एन कंपाउंड दिस वन इज द हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस ओके बात करते हैं दोस्तों थर्ड ऑप्शन की कि ओन डिहाइड्रेशन ओन डिहाइड्रेशन विद ओन डिहाइड्रेशन विद कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर कोमा एट फोर्म्स एल्किन एट फॉर्म्स एल्किन क्या होता है जब इथेनोल इथेनोल का फोर्मूला दिस वन इज अ सी एस थ्री सी एच टू ओ एच जब हम इसका क्या करते, है? dehydration करते है, हैं डिहाइड्रेशन करते हैं कॉन्सनट्रेटेड एस टू एसओ फोर के प्रसन्स में ओन हीटिंग हीट भी करेंगे देन इन दिस कंडीशन वॉट विल फॉर्म सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस एच टू ओ डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसमें इथेनोल के अब जब हम पास करते हैं इसके रिएक्ट इसके कॉन्सेंट्रेटरी एस्ट्रोसोफोर के साथ करते हैं वो थोड़ा हीट करेंगे तो हमारा इथिन बन जाएगा इथिन में उतने ही कार्बन आइटम होंगे जितने कि अल्कोहल में होंगे एल्कोहल में अगर टू कार्बन आइटम है तो यहाँ भी टू कार्बन आइटम होंगे दिस वन इज द वॉट इथिन एंड दिस वन इज द वॉटर मेन डिहाइड्रेशन हो गया वाटर रिमूव हो गया वो वाटर का रिमूव होना ही क्या कहलाता है दोस्तों वाटर का रिमूव होना ही कहलाता है डिहाइड्रेशन नेक्स्ट पॉइंट आता है मीन एल्कोहल एल्कोहल्स रिएक्ट विद रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इन द presence of concentrated h2so4 concentrated h2so4 on heating on heating form ester form ester ester or we have to form a sweet smelling liquid sweet smelling liquid liquid or we can say in bracket you have to write what ester स्वीट स्मेलिंग लिक्विड को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं कब जब हम एल्कोहल को सी टू एच फाइव ओ एच को रिएक्ट करेंगे सी एच थ्री सी ओ ओ एच के साथ इथान या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में कॉन्सनट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के प्रेजेंस में नाउ ऑन हीटिंग देन वॉट विल फॉर्म सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव एंड प्लस वॉट एच टू ओ ओके दोस्तों तो हमारा यही कंपाउंड क्या कहलाता है एस्टर कहलाता है इसी में मीठी खुशबू होती है ओके okay, तो देख लेते हैं एक बार और देख लेते हैं दोस्तों क्या कि एल्कोहल रिएक्ट विद इथेनोइ एसिड एल्कोहल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट होता है किसके प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड एस्टूए फोर के प्रेजेंस में हीट करने पर हमारा स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एस्टर ओके okay, दोस्तों तो ये सिंपल है इथेनोइक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हीट करते तो हमारा एस्टर बन जाता है तो दोस्तों ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये चाहो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं समझ में आया को दोस्तों एक बार रिवाइज कर देते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी टफ मानी जाती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हीट और लाइट बना लेता है सेकेंड बात आती है इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होकर इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होके सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेता है दिस इज द फॉर्म ऑफ सोडियम इथोक्साइड नेक्स्ट जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं किससे से कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रोसोफोर से और हीट करते हैं तो हमारा इथिन बन जाता है डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव हो गया नेक्स्ट इथेनोइक एसिड के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होके के प्रेजेंस में और हीट करने पर हमारा स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बन जाता है जिससे दोस्तों हम कहते हैं एस्टर आई थिंक ये समझ में आया होगा ओके okay, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूजेस की यूजेज़ की बात करते हैं यूजेज क्या होते हैं अब यूजेस क्या होता है इसके अलग अलग जगह इसका यूज़ किया जाता है किसका इथेनॉल का इथेनॉल का एक यूज़ नहीं होता इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं और अलग अलग जगह इसका यूज़ है ठीक है कहीं इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाता है कहीं हॉस्पिटल्स में किया जाता है कोई एल्कोहलिक रूप में यूज़ करता है तो देखते हैं दोस्तों इसके यूजेज के बारे में ओके बात करें दोस्तों यूजेज यूजेज ऑफ एल्कोहल्स बात करते हैं सबसे पहले बात की ठीक है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स पेंट्स में बनाया जाता है वार्निशेस बनाए जाते हैं कोमा इटी और बहुत सारी चीजें इसकी बनाई जाती हैं पहला क्या यूज पेंट्स बनाने में और वार्निशे वार्निशे पेंट के जैसे ही होता है उस वहां पर बनाने के लिए इसका यूज होता है सेकंड दोस्तों बात आती है क्या इट इज एज अ सॉल्वेंट इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट ये सॉल्वेंट की तरह भी यूज होता है क्या होते हैं पेंट होते हैं कोई भी चीज उनमें उसके सोलवेंट की तरह उनको घोलने के लिए सोलवेंट की तरह यूज होता है वॉट इथेनॉल थर्ड वन इट इज यूज एज अ फ्यूल इट इज यूज एज अ फ्यूल इन कार इन कार्ड सी ए आर एस कार्ड अलोंग विद पेट्रोल अलोंग विद पेट्रोल क्या होता है कि पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है इथेनोल देखा होगा पेट्रोल पंप पर जहां ऑयल मिलता है वहां पर लिखा होता है इतना परसेंट इथेनोल इतना परसेंट इसमें इथेनोल मिला हुआ है सो वी कैन सी डर इट इज यूज ऑल्सो एज वर्ट फ्यूल इन कार्स अलोंग विद द पेट्रोल पेट्रोल के साथ इसको मिला के फ्यूल की तरह यूज किया जाता है कार्स वगैरह को चलाने के लिए एंड द डी इज वॉट इट इज यूज एज एज एन एल्कोहलिक ड्रिंक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स सच एज वॉट एल्कोहलिक सच एज वाइन विस्की विस्की कोमा बियर कोमा ई तो क्या होता है कि बियर बनाने में इसका यूज होता है विस्की बनाने में वाइन्स बनाने में और हम एक वर्ड में कहें तो एल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी इसको यूज किया जाता है ओके द फिफ्थ इज द वॉट फिफ्थ यूज फिफ्थ यूज मीन्स इट इज यूज एज एन एम इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक फोर बाउंड For sterilizing, for sterilizing, sterilize, for sterilize, sterilize the wound and medical equipments, medical equipments in hospitals. तो दोस्तों ये इसके क्या है यूजेज़ है पहली बात आती है इसका यूज़ पेंट वार्निश वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है सेकंड सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है थर्ड फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है पेट्रोल के साथ मिलाकर कार में आगे बात आती है एल्कोहलिक ड्रिंक्स की तरह भी इसको यूज़ करते हैं जब वाइन विस्की और बियर्स में भी नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज एंड एंटी की तरह भी यूज़ होता है वॉन्ड को स्टेलाइज करने में और हम कहते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे रेजर वगैरह होते हैं मेडिकल्स ठीक है ऑपरेशंस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेडलाइज करने में भी हॉस्पिटल्स में इसका यूज किया जाता है चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ओके दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे भी एक अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आए और वो हमारे यही इच्छा रहती है कि आपको अच्छे से समझाएं तो दोस्तों आज का टॉपिक बस हमारा यहीं तक था तो मिलते हैं वह अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ एक नई एनर्जी के साथ तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिससे हमें सपोर्ट मिल सके दोस्तों और मिलते हैं एक अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद